कमेंट कर रहे हैं कि जो मैंने वीडियो बनाया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, कि वो 2018 में नहीं आया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है, लग रहा है कि वो क्वेश्चन नहीं आया है, तो जो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसमें आप जुड़ जाइए और मैं आपको वो क्वेश्चन का जो PDF है वो उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, सभी जो भी जितना मेरे पास है 5-6 क्वेश्चन जितना है उसका PDF उसमें मैं डाल दूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर कोई भी डाउट होगा तो। ठीक है, बिना आया हुआ क्वेश्चन हम क्यों बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो चैनल से जुड़ जाइए और आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि शॉर्ट पिच और फुल पिच वाइंडिंग होता है। ठीक है, कि शॉर्ट पिच और फुल पिच वाइंडिंग हम लोग देख चुके हैं कि जिसमें क्या होता है कि जो पोल है, ठीक है, जैसे कि ये जो पोल है, ठीक है, तो अगर क्या है कि जो क्वाइल का स्पैन है अगर पोल से कम रहता है, कम दूरी पर रहता है, ठीक है, तो कम दूरी पर अगर है, मान लीजिए कि ये इसके पोल वाले स्लॉट से क्या है कम में रह जाता है, ठीक है, तो ये जो होता है शॉर्ट पिच हो जाता है। अगर क्वाइल जो है इसका जो ये स्पैन है, स्पैन किसको कहा जाता है, स्पैन का मतलब होता है कि दो एक्टिव साइड के बीच की दूरी, ये जो दूरी होता है ये स्पैन कहलाता है। ठीक है, ये आपका कंडक्टर या तो कंडक्टर की संख्या में हो सकता है और या स्लॉट की संख्या में हो सकता है। ठीक है, जितना स्लॉट यानी कि खांचा रहेगा इन दोनों के, मान लीजिए ये यहाँ तार है, एक यहाँ तार है, बीच में कितना स्लॉट हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लॉट की संख्या में, या मान लीजिए कि प्रत्येक स्लॉट में 10-10 कंडक्टर है, तो या तो स्लॉट जब पूछेगा तो 5 स्लॉट हो जाएगा और कंडक्टर पूछेगा तो 50 कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही अवस्था में हम क्या करते हैं कि इसका मान, मतलब स्पैन का मान देख लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या यह होता है कि जब जो क्वाइल का स्पैन है अगर कम रहता है तो शॉर्ट पिच होता है, अगर फुल रहता है यानी कि एक यहाँ पोल एक यहाँ पोल है दोनों के बीच में है, मतलब कि पोल के पास है, तो ये आपका फुल पिच हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों में उत्पन्न वोल्टेज जो होता है हम लोग पढ़े हैं कि अलग अलग हो जाता है। जैसे शॉर्ट पिच में क्या होता है, शॉर्ट पिच में क्या है कि जो पोल के नज़दीक वाला तार रहेगा, क्वाइल रहेगा, उसमें क्या होगा, अधिक EMF उत्पन्न होगा, और जो पोल से दूर है, देखिए पोल से जितना दूरी आपका बढ़ते जाएगा, चूँकि जो चुंबक का पोल होता है, ठीक है, पोल के पास ही क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखा का प्रभाव जो होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, और चुंबकीय बल रेखा का मान अधिक होता है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखा का मान जितना अधिक होगा उतना ही कंडक्टर ज़्यादा काटेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका ये जो चुंबक होता है ना, इसका जो पोल रहता है, नॉर्थ और साउथ जो पोल रहता है, यहाँ पर जो चुंबक का शक्ति होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दोनों ही पोल के पास चुंबक का जो चुंबकीय शक्ति है वो ज़्यादा रहता है, तो वायर जो है जितना चुंबक के नज़दीक रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका होगा चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, तो उतना ही ज़्यादा इसमें EMF उत्पन्न होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा दूरी रहेगा उतना ही कम EMF मतलब उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जो फुल पिच वाइंडिंग था, फुल पिच में क्या होता था, जो EMF है टोटल EMF क्या हो जाता था, टोटल EMF हो जाता था E1+E2, मतलब कि टोटल E बराबर यानी कि EMF बराबर क्या हो जाता है, E1+E2 यानी कि दोनों क्वाइल में उत्पन्न EMF का मान जोड़ दिया जाता था। क्यों जोड़ देते थे, क्योंकि दोनों में क्या है समान वोल्टेज उत्पन्न होता था, क्योंकि दोनों जो है पोल के मतलब समान दूरी पर रहते थे। ठीक है, तो E बराबर उसमें हो जाता है 2E1, ठीक है, यानी कि 2E1 हो जाता था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले वीडियो जो डाले हैं अल्टरनेटर का उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि फिर जो शॉर्ट पिच है तो उसमें क्या होता है कि पोल से, पोल के जो नज़दीक है उसमें तो अधिक वोल्टेज रहेगा, और जो पोल से दूरी पर है उसमें क्या होगा कम वोल्टेज हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात यानी कि शॉर्ट पिच वोल्टेज और फुल पिच वोल्टेज का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, पिच फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो पिच फैक्टर या क्वाइल स्पैन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, पिच फैक्टर या क्वाइल स्पैन फैक्टर किसको कहा जाता है, मतलब कि शॉर्ट पिच वोल्टेज और लॉन्ग पिच वोल्टेज के अनुपात को क्या कहा जाता है,
पिच फैक्टर या क्वाइल स्पैन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वह गुणक जिसे फुल पिच वोल्टेज में गुणा करके आंशिक वोल्टेज यानी कि शॉर्ट पिच वोल्टेज प्राप्त की जाती है पिच फैक्टर कहलाता है। ठीक है, कि जैसे क्या है कि कहने का मतलब है कि शॉर्ट पिच जो वोल्टेज होता है ना, उसमें अगर हम शॉर्ट पिच जो वोल्टेज है उसमें अगर हम पिच फैक्टर से गुना कर दें, ठीक है, पिच फैक्टर से यदि हम शॉर्ट पिच ये गुना कर दें तो क्या हमारा निकल जाएगा, फुल पिच फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वह गुणक जिसे फुल पिच वोल्टेज में गुना करके आंशिक यानी कि फुल पिच में भी अगर गुना करेंगे तो क्या आंशिक वोल्टेज यानी कि शॉर्ट पिच वोल्टेज प्राप्त की जाती है पिच फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो मतलब कि फुल पिच में अगर गुना कर देंगे किससे, ये पिच फैक्टर से, फुल पिच में पिच फैक्टर से गुना कर देंगे तो हमारा शॉर्ट पिच वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, पिच फैक्टर कहलाता है। या दूसरी मतलब कि दूसरे तौर से कि शॉर्ट पिच और फुल पिच में उत्पन्न ईएमएफ का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट पिच और फुल पिच में उत्पन्न ईएमएफ का अनुपात क्या कहलाता है, आपका पिच फैक्टर कहलाता है। ठीक है, पिच फैक्टर को हम क्या करते हैं कि केपी या केसी से सूचित किया जाता है। ठीक है, पिच फैक्टर को केपी या केसी से सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा के का मतलब ही हो जाता है फैक्टर। ठीक है, केपी या केसी से हम किसको सूचित करते हैं, पिच फैक्टर को। ठीक है, पिच फैक्टर को केपी या केसी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आपको समझ गए होंगे कि शॉर्ट पिच और फुल पिच जो वाइंडिंग होता है, फुल पिच जो क्वाइल है, शॉर्ट पिच और फुल पिच, इन दोनों में उत्पन्न ईएमएफ का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पिच फैक्टर कहलाता है। ठीक है, पिच फैक्टर कहलाता है। तो पिच फैक्टर बराबर आपका हो जाता है कॉस अल्फा बटा टू। क्या हो जाता है, कॉस अल्फा बटा टू। ठीक है, अल्फा यहाँ पर क्या हो जाता है कि वैद्युतिक कोण है जिसमें क्वाइल स्पैन फुल पिच से छोटा होता है। ठीक है, अल्फा बराबर क्या हो जाता है, ठीक है, जहाँ अल्फा बराबर यहाँ छूट गया है, अल्फा बराबर वैद्युतिक कोण है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री है, अल्फा क्या है, इलेक्ट्रिकल डिग्री है, जिसमें क्वाइल स्पैन क्या होता है, फुल पिच से छोटा होता है। ठीक है, क्वाइल स्पैन कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि ये आपका पोल है और ये पोल है। ठीक है, तो ये जो क्वाइल स्पैन होगा, ठीक है, स्लॉट मान लीजिए कि बीच में पाँच है, पाँच स्लॉट है, तो जो फुल पिच में कितना हो जाएगा, दो, सात हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, सात हो जा रहा है। ठीक है, मगर ये जो क्वाइल स्पैन है वो क्या है, पाँच है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वैद्युतिक कोण है जिसमें क्या है कि क्वाइल स्पैन फुल पिच से छोटा होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, ये आपका पिच फैक्टर का फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉस अल्फा बटा टू होता है। क्या हो जाता है, कॉस अल्फा बटा टू आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इस पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है कि केपी, केपी का मतलब क्या होता है, पिच फैक्टर। ठीक है, कि पिच फैक्टर बराबर आपका होता है कि प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदिश योग, प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदिश योग बटा प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बलों का अंक गणितीय योग। ठीक है, अंक गणितीय योग देखिए बराबर आपका हो जाता है, ये आपका सदिश योग जो हो जाएगा 2E1 इंटू कॉस अल्फा बटा 2 हो जाता है। ठीक है, और बटा में आपका जो प्रति कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल का अंक गणितीय योग कितना हो जाएगा, 2E1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सदिश में जब जोड़िएगा तो ये आपका होगा 2E1 इंटू आपका कॉस अल्फा बटा 2 हो जाता है सदिश योग, और अंक गणितीय योग में क्या हो जाएगा, 2E1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2E1 से 2E1 कट जाता है, तो यहीं से आपका इसका फॉर्मूला आपका क्या निकल जाता है कि केपी बराबर कॉस अल्फा बटा 2। ठीक है, केपी बराबर हो जाता है कॉस अल्फा बटा 2, यानी कि पिच फैक्टर बराबर होता है कॉस अल्फा बटा 2। ठीक है,
ये वाइंडिंग में, वाइंडिंग चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे, ठीक है, क्वाइल स्पैन। ठीक है, क्वाइल स्पैन क्या होता है कि जो दो एक्टिव क्वाइल है इसके बीच की दूरी जो होता है वो क्वाइल स्पैन कहलाता है। ठीक है, क्वाइल स्पैन का मान स्लॉट या कंडक्टर के रूप में हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो आपका पिच फैक्टर होता है ना, पिच फैक्टर का जो मान होता है, ठीक है, पिच फैक्टर का जो मान होता है, अगर देखिए अगर आपका फुल पिच के लिए एक रहेगा, ठीक है, अधिकतम मान, ठीक है, एक कितना अधिकतम है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, फुल ये जो आपका पिच फैक्टर होता है, ठीक है, पिच फैक्टर का जो मान होता है, ठीक है, वो एक से अधिक नहीं हो सकता है। फुल पिच है तो एक होगा, अगर आपका वही शॉर्ट पिच हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट पिच अगर वाइंडिंग का एक क्वाइल है, ठीक है, शॉर्ट पिच है तो एक से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक से कम हो जाएगा, 0.98, 0. मतलब 0.9, 0.8, 0.7 जितना भी हो सकता है, ठीक है, तो एक से कम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पिच फैक्टर का मान फुल पिच के लिए एक होगा अधिकतम, और शॉर्ट पिच के लिए एक से कम होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जो पिच फैक्टर होता है इसका कोई मात्रक क्या होता है, नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, मात्रक क्या होता है, नहीं होता है, मात्रक इसका नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि पिच फैक्टर जो है उसका मान फुल पिच के लिए क्या होगा, फुल पिच के लिए आपका क्या होगा, अगर फुल पिच है तो आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम एक रहेगा। ठीक है, अगर वही आपका शॉर्ट पिच क्वाइल है, वाइंडिंग है, तो एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और पिच फैक्टर का कोई क्या होता है, मात्रक नहीं होता है, मतलब पिच फैक्टर का कोई मात्रक क्या होता है, नहीं होता है। अब देखिए इसका जैसे कि हम मान लीजिए कि ये लाभ इसका पूछा जा रहा है, ठीक है, लाभ क्या होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम शॉर्ट पिच अगर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, शॉर्ट पिच जो होता है, ठीक है, अगर वो होता है तो लाभ क्या होगा। ठीक है, तो लाभ में सबसे पहले देखिए हार्मोनिक जिसको कहा जाता है, ठीक है, हार्मोनिक प्रभाव, ठीक है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, हार्मोनिक प्रभाव का मतलब आपका हो जाता है जो आवाज़ कम होगा। ठीक है, देखिए तो जितना आपका वाइंडिंग की संख्या कम रहेगा उतना ही आपका आवाज़ कम रहेगा। तो दूसरा इसमें हो जाएगा कि जो साइन वेव बनता है वो क्या होता है, अच्छा बनता है। ठीक है, साइन वेव भी होता है। तीसरा होता है कि इसमें तांबे की बचत होती है। ठीक है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या होता है कि तांबे की बचत होती है। ठीक है, तो पिच फैक्टर समझ गए होंगे कि आपका जो क्या बोलते हैं कि फुल पिच और शॉर्ट पिच क्वाइल में उत्पन्न ईएमएफ का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, कि अनुपात होता है यानी कि 2E1 × cos α/2, और बटा में क्या था, 2E1 था, 2E1 से 2E1 कट गया था, तो पिच फैक्टर बराबर हमारा क्या आया था, cos α/2, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो होता है आपका पिच फैक्टर अगर वाइंडिंग है, पिच फैक्टर है, तो वो क्या होगा कि तांबे का जो है कमी होता है, मतलब कि कम यूज किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट पिच अगर रहेगा तो तांबे का क्या होगा, कम उपयोग होगा। तो देखिए जो हम लोग पिच फैक्टर पढ़े हैं, ठीक है, पिच फैक्टर में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि पिच फैक्टर का नाम मान जो होता है एक से अधिक नहीं होगा, क्या होगा, एक से अधिक कभी नहीं होगा। ठीक है, एक से अधिक नहीं होगा, एक से हमेशा कम रहेगा या एक रहेगा। ठीक है, अगर फुल पिच है तो कितना रहेगा, फुल पिच है तो एक, और अगर शॉर्ट पिच है तो एक से कम रहेगा। ठीक है, सूत्र क्या हो जाता है, तो cos α/2। ठीक है, कॉस तो जानते हैं, कॉस थीटा होता है, अल्फा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पर डिग्री दिया रहेगा। ठीक है, आपको अल्फा का मान दिया रहेगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जितना हो। ठीक है, और उस क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा,
कि जैसे कि उस डिग्री का जो लास्ट में आएगा आपका आंसर, उसका जो क्वेश्चन अगर वैसा दिया जाता है न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर मान लीजिए कि 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री है, तो कॉस 10 डिग्री का हमको मान याद नहीं रहता है, तो वहाँ क्वेश्चन में क्या रहेगा, उसका मान दिया रहेगा 0.00, जितना होगा उतना दिया जाता है, नहीं तो उतना तो हम निकाल याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। चूँकि क्या 30, 60 और 90 क्या लोग याद रखता है, ठीक है, कॉस में हो या साइन में हो या कॉट में हो, जिसमें भी हो 30, 60 और 90 का लगभग लोग याद रखता है। 30, 60, अच्छा हाँ 1 45 हो जाता है, 30, 45, 60 और 90 इतना का याद रहता है, ठीक है। और बाकी 10, 20, 30, 10, 20 है, 40 है, इस सब का तो याद नहीं रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसका मान दिया रहेगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को के डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। के पी या के सी से हम किसे सूचित करते थे, के पी या के सी से हमारा कौन सा था, पिच फैक्टर, ठीक है। अब के डी आ गया, के डी से क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फैक्टर क्या है, कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक फेज का आपका अगर वाइंडिंग है, एक फेज का जो आप वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि केवल एक स्लॉट में तो होता नहीं है, ठीक है, अलग अलग स्लॉट में क्या है, एक फेज का वाइंडिंग जो है अलग अलग स्लॉट में किया हुआ रहता है, ठीक है, चारों तरफ फैला हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि प्रत्येक क्वायल जो हो रहता है, ठीक है, जो क्वायल है उसमें सब में अलग अलग EMF उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे कि लास्ट में तो सबका पॉइंट एक जगह मिल भी करेगा, ये फेज और ये हाँ न्यूट्रल मिलेगा, मगर ये जो क्वायल अलग अलग जो स्लॉट में डाला हुआ था, ठीक है, मान लीजिए कि एक 5 नंबर स्लॉट में है, एक 7 नंबर में है, एक 9 में है, एक 12 में है, फिर एक 3 में है, एक 2 में है, एक 4 में है, ठीक है, एक 6 में है, ऐसे ऐसे करके डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सभी जो क्वायल है, सभी क्वायल का जो साइड है, सब में तो एक समान EMF नहीं उत्पन्न होगा, कोई पोल के नज़दीक है, कोई दूर है, कोई ज़्यादा दूर है, ठीक है, हो सकता है किसी में 5 वोल्ट उत्पन्न हुआ, तो किसी में 2 वोल्ट उत्पन्न हुआ, किसी में 8 वोल्ट उत्पन्न हुआ, किसी में 3 वोल्ट उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है ये एक ऐसा गुणक होता है, ठीक है, कि उस गुणक को, मतलब कि वह गुणक जिससे गुणा करने पर क्या होता है कि आपका जो सही EMF का मान ज्ञात हो जाए, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो फैक्टर होता है ये सभी का एक गुणक होता है, ठीक है। तो क्या इसका परिभाषा हो जाता है कि वह गुणक जिससे ये कहता है कि वह गुणक जिससे गुणा करके उत्पन्न विद्युत वाहक बल का सही मान ज्ञात किया जा सके, ठीक है। वह गुणक क्या होगा यहाँ पर, क्या है कि वह गुणक जिससे गुना करके, मतलब कि जो उत्पन्न आपका EMF हो रहा है ना, उसमें गुना अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा कि आपका सही विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि सब में अलग अलग है, ठीक है, सबको हम कैसे जोड़ेंगे कि हमारा जो टोटल EMF का मान है, यहाँ पर जो 220 मिलेगा कि 230 मिलेगा कि 250 मिलेगा, वो हम ज्ञात कर सके, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा करके सही विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है, ठीक है, कि वह गुणक जिससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गुणा कर दे तो सही विद्युत वाहक बल ज्ञात हो सके, वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम किस के डी से सूचित करते हैं, के डी बराबर हो जाता है साइन एन बीटा बाई टू, क्या हो जाता है कि साइन एन इंटू बीटा बाई टू बटा में एन साइन बीटा बाई टू, ठीक है, बीटा बाई टू यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, कि आपका क्या कह रहा है
के डी का मतलब हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बराबर हो जाता है साइन एन इंटू बीटा बाई टू, ठीक है, और बटा में हो जाता है एन साइन बीटा, ये बीटा बाई टू, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर क्या हो जाता है कि बीटा बराबर एन बराबर क्या हो जाता है कि प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या, ठीक है। एन का मान क्या हो जाता है कि प्रति फेज का मतलब हो गया जैसे कि थ्री फेज का जो हमारा अल्टरनेटर है तो एक फेज में क्या है कि प्रति पोल, एक फेज में मान लीजिए कि कौ गो पोल है, एक पोल दो, एक पोल तो होगा नहीं, दो पोल कम से कम होता है, तो दो पोल में, दो पोल है कि चार पोल है कि छह पोल में एक आपका फेज है, ठीक है। तो एक फेज में क्या है कि कितना पोल है, एक पोल है, ठीक है, दो वाले दो पोल है, ठीक है। तो ये दो पोल में खांचों की संख्या कितनी है वो क्या कहलाता है, एन से सूचित किया जाता है, ठीक है। कि आपका एन से किसको सूचित किया जा रहा है, एन बराबर हो जाता है प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या एन से। यहाँ पर ये जो एन है, ठीक है, एन का मान क्या है कि प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या, ठीक है। और जो बीटा दिया गया है, बीटा बराबर आपका हो जाता है, ठीक है, जो बीटा दिया गया है इस फॉर्मूला में बीटा बाई टू, तो बीटा बराबर आपका हो जाता है 180 डिग्री बटा प्रति पोल खांचों की संख्या, ठीक है। जो बीटा का मान हमें निकालना है 180 डिग्री बटा प्रति पोल खांचों की संख्या से हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो इतना हार्ड आपका न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला बहुत हार्ड होता है, ये सब याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो के डी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। के डी बराबर हो जाता है साइन एन इंटू बीटा बाई टू और बटा में हो जाता है एन साइन बीटा बाई टू, ठीक है। और जहाँ एन बराबर क्या हो गया, प्रति फेज प्रति पोल खांचों की संख्या, ठीक है, और बीटा बराबर क्या हो जाता है 180 डिग्री बटा प्रति पोल खांचों की संख्या, ठीक है। ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है, और फिर इस पर दो न्यूमेरिकल जस्ट इसके अगले वाले वीडियो में हम डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।